गोवर्धन में हुई ऑल इंडिया पत्रकार एकता एसोसिएशन ट्रस्ट की मीटिंग, पत्रकार सुरक्षा मुद्दों पर हुआ विचार विमर्श। प्राप्त जानकारी के अनुसार आज 26 अक्टूबर 2020 को गोवर्धन क्षेत्र अडींग में ऑल इंडिया पत्रकार एकता की मीटिंग पत्रकार कार्यालय अडींग में संपन्न हुई। इस पत्रकार एकता मीटिंग में आगरा से आए अतिथि गणों में अजय कुमार वर्मा एवं उनके साथियों का माला दुपट्टा एवं तस्वीर भेंट कर स्वागत किया गया। इस पत्रकार एकता मीटिंग में आए दिन पत्रकारों पर हो रहे अत्याचार एवं अपमान जैसे कृत्य मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। एकता एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष कृष्ण मुरारी के समक्ष मीटिंग का गठन किया गया एवं सभी पत्रकारों ने अपने विचार रखे। अजय कुमार वर्मा पत्रकार आगरा ने बताया कि मथुरा जिले से सदस्य एवं जिला प्रभारी के रूप में पद प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें कृष्ण मुरारी जिला अध्यक्ष के रूप में शपथ ली एवं राजू ठाकुर मंडल प्रभारी, चौधरी वीरपाल सिंह कोषाध्यक्ष, रवि वर्मा जिला मंत्री, राजू कश्यप जिला सचिव, गोपाल चौधरी सदस्य, जितेंद्र कुमार कार्यवाहक सदस्य, अजय कुमार सदस्य के रूप में सदस्यता दिलाए। इन सभी ने पत्रकारों पर आए दिन हुए हमलों को निंदनीय बताया। सर, जो आज पत्रकारिता मीटिंग हुई है, इस पर क्या कुछ कहना चाहोगे सर? मैं अजय कुमार वर्मा आगरा से ऑल इंडिया पत्रकार एकता सहायता ट्रस्ट का प्रदेश उपाध्यक्ष। आज मथुरा में कार्यकारिणी का गठन हुआ और इसमें कृष्ण मुरारी जिला अध्यक्ष नियुक्त किए गए। इसमें हमारे आगरा से महिला मंडल अध्यक्ष ऋतु वर्मा जी ने भाग लिया, अपने विचार रखे। मथुरा कार्यकारिणी गठन में जिला अध्यक्ष कृष्ण मुरारी, जिला उपाध्यक्ष राजू कश्यप को, जिला सचिव वीरपाल सिंह चौधरी को, कोषाध्यक्ष जितेन कुमार को कार्यकारिणी सदस्य, रवि वर्मा को जिला मंत्री, गोपाल चौधरी को सदस्य, अनिल कुमार सागर को सदस्य, राजू ठाकुर को मीडिया प्रभारी बनाया गया। मैडम, आज जो पत्रकारिता बैठक हुई है, इस पर क्या कुछ कहना चाहोगी? क्या विचार हैं तुम्हारे? जो पत्रकारों पर आए दिन जो हमला हो रहे हैं, उनके बारे में सर क्या कुछ कहना चाहोगे? पहले तो मैं परिचय दूंगी। रेखा शर्मा, आर इंडिया पत्रकार एकता एसोसिएशन राष्ट्रीय सचिव हूँ, मथुरा से ब्लॉक करती हूँ। और जैसे कि अभी हमारे अध्यक्ष ने बताया था, पत्रकारों पर आज उत्पीड़न बहुत हो रहा है। कवरेज करने के दौरान पत्रकारों का कैमरा छीनना, पत्रकार को मुकदमा दायर करना, इसी वजह से हमने सोचा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गोविंद कुमार गौरव जी ने सोचा कि हम इसका क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने एक संगठन बनाया, ऑल इंडिया पत्रकार एकता एसोसिएशन का ट्रस्ट, ताकि हमारे सारे पत्रकारों का गठन हो। जो पत्रकारों पर आज उत्पीड़न हो, इसी कार्य में हम सोचते हैं कि गठन रहेगा हमारा, सारे पत्रकारों से काम करती रहेगी, प्रशासन से भी निगाह रहेंगे, प्रशासन से बातचीत करेंगे इसी कारण से। और हमारी ऋतु वर्मा जी आई हैं, आगरा मंडल अध्यक्ष हैं जी, वो भी इसमें आई हैं, और भी हमारे अन्य पत्रकार साथी हमारे इसमें आगरा से आए हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष अजय वर्मा जी भी हमारे आगरा से आए हुए हैं। इसमें सिर्फ एक ही उद्देश्य, हमने मथुरा में कृष्ण मुरारी शर्मा जी ने अपना गठन कार्य करते हुए कराया, कुछ सदस्य बनाया है, कुछ रिपोर्टर हैं, कुछ और जोड़े हुए हैं उन्होंने किया है। सिर्फ इनका एक ही उद्देश्य है कि जो पत्रकारों का उत्पीड़न हो रहा है, इसको कैसे ही करके रोका जाए। और इसके लिए हम और हमारे पत्रकार बंधुओं एनी टाइम एनी रात और दिन साथ खड़े रहेंगे। कहीं भी किसी भी पत्रकार को दिक्कत आती, परेशानी आती, ये नहीं है, जरूरत नहीं है कि वो हमारे संगठन से हो, हमें जिसे कोई भी पत्रकार हो उसको हम सपोर्ट करेंगे। यहाँ तक हमारे से हम खुद जाएंगे वहाँ पे, जो भी प्रशासन बात करेंगे, जैसी भी हमारी सपोर्ट होगी, हम पूरा करेंगे। मीटिंग रखी हुई है किस उद्देश्य को लेके और क्या इसमें समस्याएं का निवारण करने के लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं सर इस पर? मैं कृष्ण मुरारी जिला अध्यक्ष पत्रकार एकता संगठन से आज गोवर्धन तहसील के अंतर्गत अड़ी मीडिया कार्यालय पर आज मीटिंग रखी गई है। यहाँ पर आए हुए अतिथि जो हैं प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार वर्मा आगरा से, आगरा महिला मंडल अध्यक्ष यहाँ पर आए हुए हैं, और अनिल जाधवन सूचना इंडिया न्यूज़ से भी हैं, और राघवेंद्र सिंह सूचना इंडिया चैनल से, विजय सिंह भी आए हुए हैं। काफ़ी यहाँ पर भीड़ है, और जो यहाँ पर हमने एकता पत्रकार एकता संगठन में जो हमारे यहाँ सदस्य हैं, जो हमने नए और जोड़े हैं, जिस पत्रकार एकता संगठन को काफ़ी ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए, उनमें रवि कुमार वर्मा जी भी हैं, गोपाल चौधरी, वीरपाल सिंह, जितेंद्र कुमार, अशोक कुमार यादव जिला उपाध्यक्ष, राजू कश्यप जिला सचिव, और यहाँ पर एक नए अतिथि भी आए हुए हैं, राजू ठाकुर आशा समाचार से, और
इस आज हमने जो बैठक के जो मीटिंग की है पत्रकार एकता पत्रकारिता के लिए काफ़ी सोचा समझा, और जो आज जो पत्रकार तो पत्रकारों पर जो उंगली उठाते हैं कि ये इस तरीके से है, जो अधिकारी हैं फर्जी मुकदमे लगाते हैं, उल्टे सीधे जो बातें होती हैं पत्रकारों के खिलाफ, उन पत्रकार के लिए पत्रकार एकता सदैव सहयोग करेगा, संग रहेगा, और कहीं भी किसी भी पत्रकार को पत्रकार एकता की ज़रूरत पड़े वहीं एक ग्रुप भी है, इसमें एक मैसेज डालें, पूर्ण भारत में पत्रकार एकता संगठन फैल चुका है और इसकी कहीं भी आवश्यकता पड़ती है ये वहीं तत्काल अपने निजी कारणों को छोड़कर पत्रकार एकता का हिस्सा बनकर वहाँ हेल्प के लिए पहुँचेगा।